हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट पोस्टें निकली हैं अंडर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी 841 पोस्टें हैं, उसके लिए आप ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करेंगे। तो ये वेबसाइट का लिंक का ये जो लिंक आपको वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पर आप डायरेक्टली क्लिक करके इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले डेट्स वगैरह देख ले सकते हैं आप। 24 की इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और जो इनकी रजिस्ट्रेशन की क्लोजर डेट है, डेट 1 is 15th of March, और आपकी एडिटिंग भी इसी डेट को बंद हो जाएगी। लास्ट डेट है जो प्रिंटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका सेम डेट को ही रहेगा। और जो आपकी फ़ीस है वो आप 24 से लेकर 15 तक ही पे कर सकते हैं। मीन टू से 15th of March को आपका सारा प्रोसेस डन होना चाहिए। तो अगर आपने पहले से रजिस्टर किया, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करके, यहाँ पर कैप्चा फिल करके आप लॉग इन कर सकते हैं। बट हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसके लिए यहाँ पर लिंक इनेबल किया गया है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग आपके पास एक ब्लैंक फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम फिल करना होगा, उसको कंफर्म करना होगा। उसके बाद मिडिल नेम, अगर मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ जो फर्स्ट नेम है उसको भी फिल कर सकते हैं। सो मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर फिल करना है, उसको कंफर्म करना है फिर से। उसके बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर है उसको फिल कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो स्टार सिंबल्स दिए गए हैं वो फील्ड्स को फिल करना कंपलसरी है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी आएगी, सबसे पहले आपका यहाँ ईमेल आईडी आएगा। उसके बाद यहाँ पर कौन सा आप डोमेन यूज़ करते हैं, जीमेल है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हॉटमेल है, इन है, लाइव है, जो भी आप यूज़ करते हैं वो फिल कर दीजिए। उसके बाद आपने यहाँ अपनी पूरी ईमेल आईडी फिल करनी है, सारी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद नीचे कैप्चा दिया गया है, ये कैप्चा आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। सो कैप्चा फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो सारी डिटेल्स है आपकी डन होने से पहले आपके पास पॉपअप आएगा जिसमें फाइनल सबमिशन के लिए आपसे पूछ रहा है, ओके कर दीजिए। जो आपकी डिटेल्स है जो आपने फिल की हैं वो बैकएंड में हो जाएंगे और आपके पास एक आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। सो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और आपको एक टेक्स्ट मैसेज भी रिसीव हो जाएगा जो आपने वहाँ पर फ़ोन नंबर दिया था कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गई है, अब आपने लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ से फिर से एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन फ़िलहाल ना भी करें, डायरेक्टली आपका पेज आएगा जिसमें आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो मैं और सबसे पहले देखिए गाइडलाइंस देख लीजिए फ़ोटो और सिग्नेचर की क्या है। तो ये फ़ोटो के लिए गाइडलाइंस है, वही आपका जो है इसमें नॉर्मल गाइडलाइंस होती हैं, साइज़ वगैरह हो गया इसमें, और बाकी जो फर्दर आपका जो इसकी डायमेंशंस होगी वो सारा कुछ इसमें उसी के अकॉर्डिंग आपने इसमें अपना जो डाटा है अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए फ़ोटोग्राफ का साइज़ दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपकी इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में। तो यहाँ जो मैंने आपको बताया वही है इस PDF में। तो अब फ़ोटो और सिग्नेचर हम अपलोड कर लेते हैं। देन यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो और यहाँ जो आपके सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। फ़ोटो का जो आपका साइज़ रहेगा 20-50 KB के बीच में होना चाहिए, 20-50, और जो आपके सिग्नेचर हैं 20-20 KB के बीच में होने चाहिए। अगर इससे थोड़े ज़्यादा या कम हुए तो आपकी ये फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं होंगे। तो ये अपलोड करके आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें आपको फर्दर जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी होंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है। तो आर यू अ ग्रेजुएट, आप 1 to 21 तक उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर दीजिए। अगर यस है तो ठीक है, अगर नो है तो नो कर दीजिए। फिलहाल यहाँ नो आएगा, यस की तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप देख भी सकते हैं। उसके बाद आपकी कास्ट आएगी यस यहाँ पर, जैसे मैं जनरल से हूँ तो मैं जनरल बिलोंग करता हूँ तो जनरल को फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपकी स्टेट आएगी, जो भी आपकी स्टेट है। उसके बाद आपका यहाँ पर सेलेक्ट डोमिसाइल, आपका कौन सा स्टेट का डोमिसाइल है, जैसे मैं पंजाब का हूँ तो पंजाब का है। उसके बाद आर यू ए विदर्भा रीजन महाराष्ट्र, यस है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। उसके बाद सेलेक्ट द ऑफिस यू आर अप्लाइंग फॉर, कौन सा ऑफिस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, चंडीगढ़ के लिए। स्टेट, उसके बाद आप चूज़ करेंगे स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर कैंडिडेट्स इंटेंट टू अप्लाई, कौन सी वहाँ से आप करते हैं, पंजाब से हूँ मैं, जैसे पंजाब फिल कर दिया, अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग करेंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन,
आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर जलंधर कर देता हूँ। उसके बाद आपका यहाँ पर लैंग्वेज फॉर LPT, तो उसके लिए आप जो भी चाहिए सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे मुझे हिंदी चाहिए तो हिंदी कर दिया। उसके बाद आप में कोई डिसेबिलिटी है 40% है तो ठीक है, नहीं तो नो कर दीजिए। लोअर डिवीज़न है या कुछ है उसके अकॉर्डिंग, जब आप डिसेबिलिटियाँ चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। बाकी जो फर्दर ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग यस नो करते रहिए। एक्स सर्विस मैन तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपको पीरियड देना होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट, आर यू डिपेंडेंट, ये तो चले एक्स सर्विस मैन के लिए है। नेक्स्ट, क्या आप डिवोर्स्ड विडो और सोन है, नहीं है तो नो कर दीजिए। बाकी जो फर्दर है, आर यू ए करंट फुल नेम स्टाफ ऑफ RBI, अगर आप RBI के स्टाफ हैं तो उसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी, फिलहाल हम नहीं है तो नो कर देते हैं। उसके बाद आर यू ए एम्प्लॉई ऑफ RBI, नहीं है तो नो कर दीजिए। नेशनैलिटी इंडियन आएगी। उसके बाद आर यू अ परफेक्ट लैंग्वेज टू रीड राइट एंड स्पीक, तो उसके जो भी आपकी स्टेट की लैंग्वेज बोल सकते हैं, येस। उसके बाद आपका जो यहाँ पर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है उनकी, तो उसके लिए पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसके लिए सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको येस कर दीजिए। अगर नहीं करना चाहते तो नो कर दीजिए क्वेश्चन, लेकिन ये वाला जो ऊपर वाला ऑप्शन है उसको येस कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी होगी। सो ये जो सारी डिटेल्स है आपको बड़े ही ध्यान से चूज़ करनी है। उसके बाद आपका जेंडर आएगा, मेल है फीमेल है। उसके बाद आप ट्विंस हैं तो उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। मैरिड अनमैरिड है उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। आपका यहाँ पर नाम आएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप जो डिटेल देंगे पर्सनल डिटेल में, तो बड़े ही ध्यान से आपने देनी है। आप फादर का नाम आएगा, उसके बाद मदर का नाम आएगा, स्पाउस नेम, स्पाउस नेम में आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है। उसके बाद यहाँ एड्रेस आएगा, सो एड्रेस वगैरह मैंने फिल कर दिया। एड्रेस 2, 3 पूरी देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 1 एंड 2 कर दिया। इस पर आपके मैंने पहले ही बोला था, यहाँ स्टार सिंबल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आपका पिन कोड आएगा आपकी सिटी के अकॉर्डिंग, जो भी आपका पिन कोड है। उसके बाद यहाँ आपका एड्रेस आएगा, सो एड्रेस वगैरह आ गया। तो यहाँ पर सेकंड एड्रेस थर्ड एड्रेस ना भी दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट आ गई। फिर से अगर आप ये नहीं फिल करना चाहते डायरेक्टली, आप यहाँ से सेम एड्रेस कर दीजिए। अदरवाइज़ आपका जो परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर दीजिए। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी जो फ़ीस है 450 है। सबसे पहले डिटेल फिल करके आप वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, जो आपकी फील्ड्स रह गई हैं वो आपकी यहाँ एरर मैसेज शो कर देगा। जैसे ये देखिए, रिलीजन के लिए यहाँ एरर मैसेज था इस पेज में, तो मैंने हिंदुज़म कर दिया। इसमें देखिए, ये हमने नहीं सेलेक्ट किया था, नो आएगा इसमें। और यहाँ पर भी ऑप्शंस हमने नहीं किए थे उसके अकॉर्डिंग आ गए। उसके ऊपर चले जाते हैं, ऊपर फिलहाल सारा डन है। एक बार फिर से हम वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। अगर हमारी ये डिटेल्स सारी डन है, उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने पर आपका जो है पूरा यहाँ डिटेल्स, अगर आपके पेज में कोई प्रॉब्लम है, ये देखिए यहाँ पर हमने ईयर चूज़ नहीं किया, तो यहाँ पर फिर से ईयर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आपका भी मैसेज चल रहा है, फिर से एक बार पेज में प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पर डन है हमारा, ठीक है, सब कुछ डन है, तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपकी पेज में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट पेज पर नहीं जंप कर सकते। उसके बाद यहाँ पर आपकी सीनियर सेकेंडरी आएगी, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने क्या किया है, सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या है 10th में। तो 10th में आप यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट्स वगैरह लिख दीजिए, मैंने ऑल सब्जेक्ट्स लिख दिया है स्टेट के अकॉर्डिंग। आपका जो डेट थी पासिंग की वो कौन सी थी, वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो ये बड़े ही ध्यान से आपने ये चीज़ें करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कितने परसेंट मार्क्स थे आपके यहाँ पर, देखिए उन्होंने परसेंटेज ऑफ मार्क्स पूछा है, तो आप यहाँ पर जितने आपके परसेंटेज थे वो आप फिल कर देंगे। कौन सा बोर्ड था और आपका जो मोड था, कौन सी मोड में आप पास हुए क्लास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर दीजिए। 12th में कौन सा था, नॉन मेडिकल था। ये कौन से ईयर में आपका रिजल्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने उसके अकॉर्डिंग फिल कर दिया। कितने परसेंट थे वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद बोर्ड कौन सा था और आपका कौन सा मोड था वो चूज़ कर दीजिए। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दीजिए। विदाउट फिल करके देखते हैं।
सो मैंने इंग्लिश फिल किया, यहाँ रीड राइट एग्जीक्यूट कर दिया। सो डिटेल्स को एक बार वैलिडेट कर दीजिए, अगर आपके स्पेस में कोई प्रॉब्लम हुई तो रेड कलर में यहाँ शो कर देगा, लेकिन यहाँ पर कोई एरर नहीं है, डाटा हमारा वेरीफाई हो गया सक्सेसफुल। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये सारी फील्ड्स को फिल करना ज़रूरी नहीं है, जो आपके इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं उनको फिल करके वैलिडेट कर दीजिए। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है उसका एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, वो आप फिल कर सकते हैं। तो जो मैंने डिटेल्स थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ सारा आ गया। इस पेज को आप बड़े ही ध्यान से चेक करेंगे, और इसको चेक करने के बाद नीचे आप देखेंगे सारी डिटेल्स वगैरह है जो हमने फिल की है। अगर तो कोई आपकी बीच में एडिटिंग है तो आप बैक आ जाएंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, पूरी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले अपनी फ़ोटो को वेरीफाई करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे और अपने सिग्नेचर को कंफर्म करेंगे। उसके बाद फाइनल सबमिशन कर देंगे, पॉपअप आएगा कि आर यू श्योर, और यस करने के बाद फाइनल सबमिशन के बाद आपकी कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं होगी। तो यहाँ पर सब कुछ डन हो गया है, अब हम फीस पे करेंगे। फीस पे के लिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस आ जाएगी। यहाँ पर कैप्चा आएगा, कैप्चा आप यहाँ पर सेम वैसे ही फिल करेंगे जैसे यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे, उसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका पेमेंट पेज आएगा। पेमेंट पेज में जो भी आप मोड यूज़ करना चाहें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, वो आप यहाँ पर मोड यूज़ कर सकते हैं। और बड़े ही ध्यान से ये मोड यूज़ करना, जब आपका पेमेंट हो रहा हो तो पेज को रिफ्रेश मत करिएगा, बिकॉज़ ऐसा करने पर आपकी जो पेमेंट है वो फंस जाएगी और काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर मोड देख लीजिए, कौन सा क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड विद एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग है, वॉलेट्स में कौन कौन से है, एयरटेल मनी है, आई कैश कार्ड है, मोबिक है, ये देखिए कितने ज़्यादा यहाँ पर वॉलेट्स है। क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप यूपीआई यूज़ करते हैं, यूपीआई भी यहाँ फिल करके पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। मेक पेमेंट पे जाइए तो जो आपका यूपीआई कोड है वो यहाँ पर फिल करके और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए, ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो जितना भी आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेमेंट है वो आ जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ से आप कोड को भी स्कैन कर सकते हैं और यहाँ से मेक पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए, जितनी आपकी पेमेंट होगी वो कट जाएगी। सो ये प्रोसेस करिए। ये था पूरा प्रोसेस कि अगर आपने आरबीआई की जो 841 समथिंग पोस्ट निकली है उनके लिए कैसे ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे, इसको करके देखिए। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।